सॉफ्ट और झटपट बनने वाला वाइट इंस्टेंट ढोकला आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान स्टेप्स में, कुछ ऐसे टिप्स के साथ कि ये हमेशा परफेक्ट बने। ढोकला बनाने के लिए एक बोल में हम डालेंगे सूजी, ये बारीक वाली सूजी है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे दही। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो सूजी और दही का रेशियो है वो 1:1 है। इसका मतलब अगर सूजी हम 1 कप ले रहे हैं तो दही भी आपकी 1 कप होगी। अगर आप ये रेशियो ध्यान रखेंगे तो आप इस रेसिपी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप इन सबको अच्छे से मिलाएं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप हमेशा धीरे धीरे करके डालें, बिकॉज कई बार सूजी ज़्यादा पानी पीती है और कई बार कम। तो आप इसको मिक्स करें। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बैटर की वो इडली जैसी होती है। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई अदरक, कुटी हुई हरी मिर्च, चीनी, जी हाँ थोड़ी सी मिठास होती है, बिल्कुल ना के बराबर, नमक और थोड़ा सा तेल। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। जो अदरक और कुटी हुई हरी मिर्च हमने इसमें डाली है वो बहुत ही बढ़िया स्वाद देगी, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप उसको डालें। और चीनी डालने से आपका ढोकला मीठा नहीं होगा, वो सिर्फ बहुत ही हल्की, आपको पता भी नहीं चलेगी, उतनी स्वीटनेस ऐड करेगा जो बहुत ज़रूरी है वाइट ढोकला में। तो आप देखें ये कंसिस्टेंसी अब परफेक्ट है। अब हम इसको 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखेंगे। स्टीमर के लिए मैं एक पैन में डाल रही हूँ पानी। अब आप इसमें डालें एक स्टैंड, आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी भी डाल सकते हैं। अब ढक के हम इसे रखेंगे जब तक इसमें अच्छे बॉयल्स आएं। ये मैं एक केक टिन ले रही हूँ, इसको आप अच्छे से ग्रीस करें। आप कोई भी बर्तन या थाली भी ले सकते हैं। ऑयल आप उसमें बहुत अच्छे से लगाएं, वरना जो ढोकला है वो आपका चिपक जाएगा। तो आप देखिए 20 मिनट बाद बैटर हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। ये थोड़ा सा गाढ़ा है इस पॉइंट पे, तो मैं इसमें बहुत ही थोड़ा, 1 टेबलस्पून के करीब पानी डालूंगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इनो। इनो के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी। अब आप इसको जेंटली मिक्स करें, बहुत ज़ोर से नहीं कर रहे वरना जो बबल्स हमने क्रिएट किए हैं वो चले जाएंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। अब आप बैटर को डालें टिन में और बहुत हल्के हाथ से हम इसे हिलाएंगे, हमें इसे टैप नहीं करना। और अब आप इसको डालें स्टीमर के अंदर। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो चुका है और अब हम इसको ढक के स्टीम करेंगे अराउंड 15 मिनट। आप देखें 15 मिनट बाद ये अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मैं जब नाइफ इसमें इंसर्ट करूंगी तो जो बैटर है वो चिपका हुआ नहीं आ रहा, बहुत ही हल्का सा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने इसे 10 मिनट तक ठंडा कर लिया है। अब आप नाइफ की हेल्प से साइड्स को स्क्रेप करें और अब आप एक प्लेट को उल्टा करके टिन को थोड़ा टैप करके अपने वाइट ढोकला को निकालें। ये टिन अभी भी गर्म है तो आप ध्यान से निकालें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तड़का बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे तेल और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई, सेसमे यानी कि तिल के सीड्स, हींग और इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ध्यान रखें जो आपके सेसमे सीड्स हैं वो उछल के आते हैं, तो आप अपने फेस का ध्यान रखें। अब आप इसमें डालें हरी मिर्च और करी लीव्स। इसको आप कुछ सेकंड्स तक और टॉस करें। तो तड़का हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम पोर करेंगे ढोकला के ऊपर। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप इसको काटें, स्लाइस करें अपनी मनपसंद के बड़े या छोटे, जैसे आपको पसंद है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप इसको बनाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से भी टैग करें। मैं आपको पास से क्लोज़अप दिखाऊंगी। आप देखें कितना बढ़िया लग रहा है, इसका टेक्सचर बहुत परफेक्ट आया है और आप एयर बबल्स जो हमारे थे उससे ये बहुत ही बढ़िया बना है, सॉफ्ट एंड डिलिशियस वाइट ढोकला।
अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको सबसे पहले वो दिखे फ्री में।